पास आई थी अपने पेरेंट्स को लेकर के, तो यहाँ पे काफी सारे पेशेंट ऐसे थे जो ब्लड कैंसर के थे, जॉइंट पेन के थे। आप उनसे एक खास पौधे के बारे में बात कर रहे थे। आज मैं उसी पौधे के बारे में, उसी जड़ी बूटी के बारे में जानने आपके पास आई हूँ। तो डॉक्टर साहब, उस जड़ी बूटी के बारे में बताइए कि वो पौधा कौन सा है। हाँ, पहले तो सभी जो लोग मेरे पास आए हैं, आपका फन बिल में स्वागत है। क्योंकि मेरे को सबसे अच्छी बात हमेशा ये लगती है कि आप लोग जिज्ञासु हैं, समाज को आप लोग बहुत गाइड करना चाहते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मैंने देखा है जो आजकल मीडिया है, मीडिया और तरफ जा रहा है, समाज की तरफ नहीं जा रहा। मगर ये सबसे पहले तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी है। उस दिन जब आप आए थे, आपने कहा भी था कि डॉक्टर साहब, मैं इस बूटी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। दस बात है, उस बूटी के साथ हम और बहुत जड़ी बूटी देते हैं, मगर उस बूटी का जॉइंट पेन में, आर्थराइट्स में और लकीमिया में, ब्लड कैंसर में खास एक खास रोल है, उसका उसका खास योगदान है। उस बूटी को आम भाषा में सभी लोग जानते भी हैं, वो घरों के इर्द गिर्द आम वो उगाती है, खड़ी भी होती है। आप जिधर भी देखोगे, पहले लोग कुछ अपने संत महात्मा अपने आश्रम में उसको अक्सर लगाते थे। उस बूटी का नाम दसरा है सदाबहार, उसे सदा सहागन भी कहते हैं, सदा फूलों वाली भी कहते हैं। उसको अंग्रेजी में विंका रोजिया, पेरीविंकल के नाम से वो बहुत मशहूर है। दसरो बूटी दो रंगों में पाई जाती है, कभी कभी तीन रंगों में भी पाई जाती है। इसका एक सफ़ेद रंग होता है, एक इसका पिंक रंग होता है, कभी कभी इसका एक रंग जामुनी होता है। इसके फ्लावर जो हैं पांच पत्तियों में बांटे होते हैं, इसकी पहचान ये है। और इसके पत्ते हरे हैं और साल में हमेशा ये खिली रहती है। ये कभी भी इसके बिना फूलों को, इसका बूटा आपको, इसका प्लांट इसको आपको नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही उपजाऊ धरती की ज़रूरत नहीं है, इसके आम धरती में हो जाती है और बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही लाभकारी है। ये हैरानी की बात यह है कि इस बूटी को अगर सही रूप में हम सरजीवनी बूटी ही बोल दें, तब भी इसमें मेरे ख्याल में इसमें कोई अजीब बात नहीं लगेगी। क्योंकि जब हम रामायण की बात करेंगे, सरजीवनी बूटी की बात करेंगे, उससे भी इसमें कई ज़्यादा गुण हैं। जैसे देखिए, ये आप ब्लड कैंसर की बात कर रहे थे, पहले तो हम थोड़ी बात कर लें कि ब्लड कैंसर होता क्या है, है ना। दरअसल क्या होता है, जो हमारा शरीर है, इसका जो इम्यूनिटी है, ऑटोइम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनाइजेशन है, जब ये कमज़ोर हो जाता है, बॉडी की इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं बॉडी में रोग आता है। उस रोग में से एक रोग वो है जब ये बॉडी हमारी क्या करती है, सेल तो बनाती है मगर जो पुराने सेल हैं उनको ख़त्म नहीं करती, वो पेंडिंग रहते हैं ब्लड सेल। और उसमें फिर वो क्या होता है, वाइट सेल हैं उनकी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, वो फाल्स बनते रहते हैं। फाल्स बनते बनते वो क्या करते हैं, हमारे लिम्फ नोड्स में और जगह जाकर और लंग में जाकर कहीं शरीर में, फिर ब्लड में भी चले जा होते हैं, जहाँ भी जाते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को और कमज़ोर कर देते हैं। जब बॉडी हमारी कमज़ोर हो जाती है तो उसमें क्या लगता है, हमें थकान होने लग जाती है और दूसरा बुखार रहने लग जाता है, वेट कम होने लग जाता है, भूख कम लगने लग जाती है और मन खराब होता है, कहीं बैठने को दिल नहीं करता। ऐसी इसकी बहुत सिम्टम होती है जब ब्लड कैंसर होता है। उसके बाद जब टेस्टों से पता चलता है कि ब्लड कैंसर है, तो उसमें ब्लड कैंसर में उसका लंबा टॉपिक है, क्योंकि इस इंटरव्यू में ब्लड कैंसर के बारे में अगर बोलेंगे तो मेरे ख्याल में 2-3 घंटे का विषय है ये। उसमें ब्लड कैंसर फिर 4 किस्म के हैं, कैसे कैसे हैं, ये लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है नहीं। मगर आज हम इस बूटी के और थोड़ा ब्लड कैंसर से रिलेटेड बातें ही करेंगे। उसमें क्या है कि जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उससे क्या हमारी जो बॉडी की रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो हमारे लिम्फ नोड्स जो हैं, वो जो बाहर से आने वाली बीमारी हैं, उनका मुकाबला नहीं करते। अंदरली बीमारी से हमारा शरीर झूंझने लगता है और उसकी वजह से शरीर कमज़ोर होता रहता है, कमज़ोर होता रहता है, आखिर को बिस्तर पे चला जाता है, उसके बाद अलविदा भी कर जाता है। ये जो बूटी है, इसका कमाल का रिजल्ट है, आपको सरप्राइज होगा। आपको एक हैरानी की बात होगी कि बूटी से जित केमोथेरेपी के जो इंजेक्शन हैं जी, इस बूटी से ही बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सदाबहार के पौधे की जो बूटी है, उसी से
से ही कीमोथेरेपी के जो इंजेक्शन है वो तैयार किए जाते हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें थोड़ा सा और जानकारी। हाँ, इसका नाम बिंका रोजिया है। बिंका रोजिया से ही जो हमारा एक बना है बिंकरस्टाइन जो इंजेक्शन है, दूसरा बना है विन ब्लास्टिंग इंजेक्शन। उसके बाद आजकल उन्होंने जब कीमोथेरेपी में इंजेक्शन देते थे, रोना डरने लगा कि कीमोथेरेपी ज़्यादा काम देने नहीं है, लोगों के बाल झड़ते हैं, इसमें बॉडी के साथ दूसरे सेल भी ये पुराने सेलों के साथ जो कमज़ोर सेलें हैं असली को मार देती है, तो इन्होंने एक नवी गोली निकाल ली, कहते हैं अब नवी ट्रीटमेंट आ गया। वो इन्होंने इंजेक्शन की जगह है वो भी कीमोथेरेपी है, वो उन इंजेक्शनों का नाम बदल कर इन्होंने एक टेबलेट्स में आजकल एलोपैथी लेकर आई है जिसे हम इमाटीन बोलते हैं। इमाटीन जो है वो भी वही काम करती है कीमोथेरेपी का जो इंजेक्शन करते थे। इमाटीन को आजकल डॉक्टर बोलने लगे कि ये सेफ है। दरअसल जब बीमारी होती है, बीमारी के साथ जब बीमारी को हम ट्रीट करते हैं उसके साथ थोड़ी बहुत नुकसान बॉडी का होता भी है, कभी उसका हाजमा ख़राब हो जाता है, कभी मन ख़राब हो जाता है, कभी उसमें बाल भी झड़ जाते हैं, छोटी छोटी बीमारी। तो जब उस एक बीमारी को ठीक करेंगे दूसरी उसका जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो उसके साथ जब वो इम्यून सिस्टम को बिल्ड करेगी साथ में बॉडी को भी साथ में एक बार डिस्टर्ब करती है वो। इसलिए ये जितने ये इंजेक्शन हैं ये सभी सदाबहार के पत्तों से बनते हैं और सदाबहार के पत्तों में ही कीमोथेरेपी के इंजेक्शन बनते हैं, उसी से ही टेबलेट बनती हैं। इसलिए हम ज़्यादा जब ब्लड कैंसर के लोग आते हैं या हमारे पास रिमोटाइड के आते हैं और फ्रेट्स के आते हैं मैं उसमें थोड़ा हम इसको प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग में यह है कि इसको वैसे भी इतनी बढ़िया बूटी है, इसमें 150 के करीब बीमारियों को 150 बीमारियों को ठीक कर लीजिए। इसके अगर रूटीन में हम दो पत्ते रूटीन में खाते रहें, ये हमारा ब्लड शुगर का लेवल भी ठीक रहता है और कैंसर का तो दूर की बात है। इम्यून सिस्टम जो उसको ऑटो इम्यून सिस्टम की आजकल जो हम रोलर डाल रहे हैं कि ऑटो इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया है, वो ख़राब होता ही नहीं। और इसकी फूल जो है वो शुगर रोग में बहुत काम आते हैं और जड़ों की तो इसकी बहुत ही कमाल है। जड़ों में इसके आप जब देखेंगे जड़ों में एक तो ये है कि जड़ों की इसको इसकी दातन बन जाती है, इसकी दातन की तरह जड़ों को अच्छी तरह धोकर उसको जैसे हम बबुल की दातन, टहली की दातन या हम क्रुंज की दातन करते हैं ऐसे इस दातन को अच्छी तरह चबाते रहिए। मगर इस दातन में क्या होता है, चबाते हुए इसका जो पानी मुंह में आता है, इसका जो जूस मुंह में आता है उसको अंदर घटकना होता है जी। उसको बाहर फेंकना नहीं होता। वो दातन करते करते इसको वो देखेंगे आप, उसके बाद इसका जो फाल का फलूदा होता है उसको फेंक देते हैं, जूस अंदर लेते हैं। अब ये इतनी बढ़िया चीज़ है, अगर इसकी दातन करते हुए इसका जूस पीते रहें 10 दिन में ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ जाता है, ब्लड शुगर भी कम हो जाता है। दो ही टाइप के शुगर हैं, दोनों टाइप के शुगर में ये बहुत यूज़फुल है, पैनक्रियाज को भी काम कराता है। दूसरा ये हमारा ये थायराइड ग्लैंड है ना, इसको भी एक्टिव करती है ये बूटी। इसलिए इस बूटी का नाम मैंने आजकल, क्योंकि मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं इसका नाम वंडरफुल प्लांट ऑफ द अर्थ, ये मैंने अपनी उसमें बुक में लिखा है वंडरफुल प्लांट्स ऑफ द अर्थ, दुनिया का सबसे अद्भुत प्लांट जो हर जगह आपको मिलेगा, खेतों में मिलेगा, घरों में मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोग इसको अखाड़ खड़ कर फेंकते रहते हैं अगर उनको इसका वैल्यू नहीं पता, अगर उनको वैल्यू पता लग जाए तो कमाल हो जाएगी। दरअसल पहले ज़माने में जब एलोपैथी नहीं आई थी इसको मंदिरों में इवन मस्जिद के पास भी इसको बोया जाता था और लोग इसकी पूजा करते थे और भगवान के जाकर इसको फूलों की तरह जैसे गेंदे के गुलाब के ऐसे ही सदाबहार के फूलों को भगवान के ऊपर अर्पण करते चढ़ाते थे, क्योंकि वो इसलिए चढ़ाते थे वो शिवजी के ऊपर खासकर चढ़ाते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बदल रहा है लोग उसको, क्योंकि फूलों से वो जो शिव जी के ऊपर कैप्चर करने वाले हैं, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर कब्जा करने वाले हैं, उनको फूलों से तो कुछ मिलता नहीं, उनको मकसद तो चढ़ावे का है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोगों को इसको गाइड करना बंद कर दिया, फूल चढ़ने बंद हो गए। मगर जितने भी फूल शिव जी पे चढ़ते हैं, शिव जी किसी हिंदू मुसलमान सिख या किसी का ऐसे का कोई बात नहीं है, शिव जी जो बेसिकली सृष्टि का गॉड है, सृष्टि का गॉड क्या, वो लाइफ से रिलेटेड बातें हैं उसमें, जन्म है, लाइफ है, मौत है, ठीक है नहीं। और जितनी भी चीज़ें शिव जी के ऊपर चढ़ती है वो लाइफ गिविंग है, जिनमें से जैसे अक है, ततूरा है, बेर है, दूध है, मीठा है, जितने भी हैं ऐसे ये
सदाबहार के फूल भी शिवजी महाराज पे चढ़ते थे। वो इसलिए ही चढ़ते थे कि लाइफ गिविंग है वो, हम वर्शिप किससे लेते हैं, जिसको पता है शिव कौन है, जिसको सृष्टि का जो मालिक है, और उसके अर्पण को चीज कौन सी चीज़ हम करते हैं, जो चीज़ उसके काबिल हो, दुनिया को चलाने के लिए काबिल हो। इसलिए जो सदाबहार है ये इतना बढ़िया फूल है, अगर इसके बारे में हम टीचिंग कराएं, लोगों को बताएं, बहुत ही सरप्राइज होगा। तो सर, इसके पत्तों का हम जो उपयोग करते हैं तो क्या हम इनको कच्चा ही खा सकते हैं पत्तों को, या किसी चीज़ में डाल करके खाना होता है? हाँ, आपने ये बहुत सही बात पूछी। दरअसल ऐसा है, ये थोड़े पत्ते जो इसके हैं बकबके होते हैं इसका स्वाद में, इसको हम कच्चे पत्तों को, 2-3-4 पत्तों को खा सकते हैं। ज़्यादा पत्ते हम चबाएंगे तो बकबका रहता है तो थोड़ा मुश्किल आता है, इसलिए इन पत्तों को क्या करते हैं कि कई बार इसको हम थोड़ा सा पीट लिया, इसको इसका गोली सी बनाई, अंदर गटक के पानी के साथ सीधा चला जाता स्टॉम्पिंग में। अगर हम मुँह में इसको डालते हैं और चबाते हैं, मुँह में थोड़ा बकबका स्वाद हो जाता है, कई बार इसका वॉमिटिंग उल्टी आने को दिल चाहता है। इसलिए अगर खा सकते हैं तो नुकसान तो नहीं है, मगर इन पत्तों को कई फॉर्म में खा सकते हैं हम। इसको ऐसे कर सकते हैं, रात को पत्तों को साफ करके कांच के गिलास में पानी में इसको भेजो, सुबह उठकर पानी पी लो और पत्तों की चटनी बनाओ और एक चम्मच से अंदर गटक जाओ, ठीक है, एक विधि है। दूसरी विधि यह है कि पत्तों का जूस निकाल कर जूस बना लें, उसको सीधा पी जाओ। तीसरी विधि ये है कि अगर कहीं अवेलेबल नहीं है तो पत्तों को सुखा लेते हैं, जैसे हमने पत्ते सुखाए हुए हैं तो आपको दिखाए थे, जो वो पत्तों को सुखाकर उसका काढ़ा बनता है जी। वो काढ़ा बनाओ और उसको पी जाओ जी। और उसके आगे जो जड़ है, जड़ का दातन बन सकता है, अगर दातन नहीं बनाना तो जड़ को सुखा लेते हैं अच्छी तरह धो के, अच्छी तरह बन के उसका पाउडर बन जाता है, उस पाउडर को आप उबाल लो पानी में, पानी को उबाल कर उसका पानी जो है वो पी सकते हैं, मगर उसका जो पाउडर के का जो डायरेक्ट है उसको जल्दी नहीं लेना चाहिए, उसका पानी ले, क्योंकि पाउडर जब जल्दी जाता है उसकी जो उसका फलूदा होता है पाउडर का, वो जल्दी हजम नहीं होता बॉडी में जाकर, इसलिए इसकी जड़ को जो जब हम पाउडर बनाते हैं उसका काढ़ा बनाकर ही लेना चाहिए। अगर हम सीधा लेंगे तो वो हजम नहीं होगा, स्टोमिक को और इंटेस्टाइन को थोड़ा अपसेट करेगा। डॉक्टर, आपने बताया कि ये इतनी सारी बीमारियों में काम करता है, तो क्या इसको और भी किसी तरीके से ले सकते हैं, जैसे अगर सब्जी में डाल करके खाना हो तो? इसका चटनी बनाकर ले लेते हैं, सब्जी में इसको थोड़ा काम लेना चाहिए क्योंकि सब्जी का स्वाद थोड़ा बकबका रहता है। मगर इसकी और बड़ी खूबी है, ये जो खुजली रोग है उसमें भी बहुत काम करता है, क्योंकि ये दरअसल ये सदाबहार है, इसको कम मात्रा में अगर लेते हैं तो खून को बहुत साफ करता है, इसको खून शफा भी कहते हैं, खून को भी बहुत साफ करता है। दूसरा, अगर आपको जैसे ये ततैया होता है जिसको पीली हमारे पंजाबी में प्रिंट कहते हैं, वो अगर वो काट ले, अगर सदाबहार के पत्ते को कहा जूस तुरंत आप लगा दें, 1% भी ये जहर का इफेक्ट नहीं होता, एंटी पॉइजनस भी है, ये बहुत कमाल की बातें इसमें। और शुगर के लिए मैं आपको पहले बोला है, जॉइंट पेन में ये काम करता है, और दरअसल क्या है, ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड के जैसे फाल्स सेल हैं, वाइट सेल फाल्स हैं, उनको बनाने से रोकता है और सेलों के विभाजन को रोकता है, इसलिए ये इसको हम वंडरफुल प्लांट्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इसको बहुत ही अच्छा नाम दिया है, वंडरफुल प्लांट ऑफ द अर्थ। डॉक्टर साहब, जो ये वंडरफुल प्लांट ऑफ द अर्थ है, ये हमें देखने में तो सभी जगह मिलता है, हर जगह मिलता है जी। तो डॉक्टर साहब, इसका और किन दवाइयों में कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे आपने बताया कैंसर में इसका प्रयोग करते हैं, तो कैंसर में आप इनको और जड़ी बूटियों के साथ में मिला करके देते हैं, तो और किन चीज़ों में देते हैं? जैसे जॉइंट पेन होता है तो क्या उसमें भी देते हैं? हाँ, जॉइंट पेन में ऐसा होता है, हम जब वो खाने वाला पाउडर देते हैं उसमें तकरीबन डेली मकदार में 2-3 पत्ती जो होती है उसका पाउडर उसमें रहता है, ज़्यादा नहीं, 2-3 पत्ती का पाउडर, अगर ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो ये पेट को अपसेट करता है, क्योंकि किसी जड़ी बूटी को एक तजर्बे से ही समझ आता है। जैसे पहले मैंने स्टार्ट किया है इसको, मैंने 2001 में किसी को ये प्योर दे दिया, जब मैं इस पर काम कर रहा था तब मेरा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, 8-10 साल हुए थे, जब मैं दिया तो मैंने देखा कि वो उसको घर जाकर वॉमिटिंग लगी उस पेशेंट को, वो दूसरे को भी लगी, 3-4 पेशेंट मेरे पास आए, कहते डॉक्टर साहब आपने तो हमारा हाजमा भी अपसेट कर दिया, हमारी आंखें खड़ने वाली हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने और ध्यान करके इसको समझा, फिर मैंने देखा कि इसका जो ओवरडोज है वो ख़राब करता है, मगर जो मकदार वाला डोज है वो कमाल करता है,
खराब नहीं करता, वो कमाल करता है। इसलिए जो सदाबहार है इसका अगर एवरेज कोई हमने लेना है इसको, इसका दो तीन पत्ता हम ड्राई करके, मतलब जैसे हम 1 किलो सदाबहार के पत्तों को ड्राई कर लेते हैं, सूखकर उसका पाउडर बन गया, 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम को इस मकदार में एक तीन पत्तों का चार पत्तों का बेट करके देख लें कि इसके उसका आकर के कितना बनता है, बहुत ही थोड़ा पिंच बनता है, उतना मतलब जो पाउडर में वो उसका मकदार जाना चाहिए। अगर उसको उतने मकदार में हम लेते हैं, उसको शुगर में भी लेते हैं, शुगर वाली दवाई जो बनाते हैं देसी जड़ी बूटियों की, उसमें भी डाल सकते हैं, ऑर्थराइड्स के भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऑस्टियो ऑर्थराइड्स को भी डाल सकते हैं, इवन यूरिक एसिड में भी डाल सकते हैं, और लकीमिया के लिए तो ये रामबन है, लकीमिया को तो ये क्योर करता ही करता है, लकीमिया में ये इसको प्योर देते हैं क्योंकि लकीमिया में ब्लड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, फाल्स सेल जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनका विभाजन बहुत होने लग जाता है, जब इसको शुरू करते हैं ये 10 दिन के बाद अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर लेता है। लकीमिया में इसका कम से कम 1 चम्मच जो पानी का अंदर जाना चाहिए, इसका निकाल कर देते हैं, और एलोपैथी में इसका हमारे आयुर्वेद में इसका एक्सट्रैक्ट भी निकालते हैं, और एलोपैथी में आपको मैंने बताया है कि 2 टीके जो कीमोथेरेपी के मेन हैं वो इसी के बनते हैं, ठीक है, और जो आजकल नई गोली आई है इमर्टाइन वो इसी की है, वो इसलिए ये बहुत ही कारगर जो प्लांट है, उसकी वजह से ही मैं इसका नाम वंडरफुल प्लांट्स ऑफ का अर्थ मैंने दिया है। डॉक्टर साहब ने आज हमें वंडरफुल प्लांट ऑफ द अर्थ यानी कि सदाबहार के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, बताया कि बहुत सारे रोगों की ये एक दवा है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक निश्चित मात्रा में, उससे ज़्यादा नहीं, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग ना करें और डॉक्टर की सलाह पर ही इसका प्रयोग करें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।